कंफर्म्ड, तो क्या ये बात सच है? नहीं। अभी तक ना तो किसी ने मुझसे पूछा बिग बॉस में जाने के लिए इस सीजन में, और ना ही मैंने किसी को बोला कि मुझे बिग बॉस में जाना है। तो सबसे पहले तो आपको हमारे इंडियन मीडिया का स्टैंडर्ड इससे पता चलता है क्या है, बेसर पैर कुछ भी छाप देंगे। इकोनॉमिक टाइम्स वाले आर्टिकल के जरा नीचे स्क्रॉल करके देखो, एक डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, दिस कंटेंट इज ऑथर्ड बाय अ थर्ड पार्टी, प्लीज टेक ऑल स्टेप्स नेसेसरी टू असर्टेन दैट एनी इन्फॉर्मेशन एंड कंटेंट प्रोवाइडेड इज करेक्ट, अपडेटेड एंड वेरीफाइड। मतलब खुद जो छाप रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे, कह रहे हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पता लगाओ कि ये खबर सच है या नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज यहां पर यह है कि आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल होगा, अगर बिग बॉस में मुझे इनवाइट किया जाए तो क्या मैं जाऊंगा बिग बॉस में? नहीं। मैं क्लियरली कहना चाहूंगा कि इनवाइट करना तो छोड़ो, अगर ये मुझे पैसे भी ऑफर करें इस शो में आने के लिए, लाखों करोड़ों जितने भी पैसे ऑफर करें इस शो में आने के लिए, ऐसे नॉनसेंस शो में मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा। मेरी राय में ये एक बहुत ही चीप तरीका है पैसा और फेम कमाने का, जिसका समाज पर एक बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आज के वीडियो में यही चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, क्या प्रॉब्लमैटिक है इस शो के कॉन्सेप्ट में, क्या ये शो स्क्रिप्टेड है, और क्यों ऐसे शोज आपको बिल्कुल नहीं देखने चाहिए। अगर आप या आपके परिवार में से कोई बिग बॉस देखकर अपना समय बर्बाद करता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। अब ये खबर आ रही है कि फेमस यूट्यूबर जो राठी बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री ले सकते हैं। एक समय पर ये लड़का सिद्धार्थ यादव, इसने YouTube वीडियो बनाया था जिसमें इसने कहा कि हमारे देश में कितने वेले लोग हैं कि वो सलमान खान की फिल्में देखते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। हमें ये अंदाजा होता है कि हमारे देश में कितने खाली बैठे हैं जिनको ऐसी मूवी देखने मजा आता है, जिन मूवीज का ना कोई सर है पैर है। पर सल्लू भाई की मूवी है, 1000 रुपए की टिकट हो, भाई की मूवी है, देखनी है तो देखनी है। बात कहीं ना कहीं ठीक कही थी कि हमें कोई ऐसा कौन थी जिसमें कोई सर पैर नहीं होता, वो अलग बात है कि अब ये खुद जाकर बिग बॉस के घर में खड़ा है। लेकिन बात ये भी सच है कि बिग बॉस इसी टाइप के लोगों के लिए सबसे फिट जगह है, ऐसे ही लोग डिजर्व करते हैं बिग बॉस में जाना और इनफैक्ट जीतना भी। मुझे यकीन है कि ये शो को जीत भी सकता है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं जो इस शो के कॉन्सेप्ट में चाहिए होती हैं, जिसके बेसिस पर ये पूरा शो चल पाता है। आगे मैं आपको ये वीडियो में बताता हूं, लेकिन पहले इतिहास जानते हैं।